नमस्कार, मैं हूँ जसराज और केवीएस किर्जोन के साथ में आपके सामने आज लेकर हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज भारत की स्मार्ट सिटीज़ के बारे में। भारत के स्मार्ट शहर कौन कौन से हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और स्मार्ट शहर घोषित किया जाता है उसके पीछे मतलब किन किन विषयों को, किन किन आधारों को तय किया जाता है, किन मापदंडों पर खरा उतरने पर उसे स्मार्ट सिटी घोषित किया जाता है, उन एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहले स्मार्ट भूमि प्रबंधन होता है, स्मार्ट मोबिलिटी होता है, स्मार्ट पार्किंग सुविधा होती है, सूचना तकनीकी एवं संचार का स्मार्ट प्रयोग होता है, स्मार्ट वाटर मीटर और बिलिंग सिस्टम होता है, वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रियल टाइम स्मार्ट सिस्टम होता है, स्मार्ट वाईफाई की सुविधा होती है, स्मार्ट पुनर्स्थापना की व्यवस्था होती है और स्मार्ट पुनर्विकास की व्यवस्था होती है। ये जो एलिमेंट्स हैं जो किसी भी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आवश्यक है। और तो आज हम स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और स्मार्ट सिटीज़ में मुख्यतः आज हम बात करेंगे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, बेंगलुरु, इनके बारे में आज हम खास तौर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जानेंगे मुंबई के बारे में, भारत के स्मार्ट शहर में सबसे पहले हम जानेंगे मुंबई के बारे में। तो आइए जानते हैं, देश की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश के विकसित शहरों में नंबर वन पे है। तो मुंबई जो है नंबर वन पे है भारत में। मुंबई के जीडीपी दर की बात करें अगर तो यह करीब 12.12 लाख करोड़ रुपए है। मुंबई में टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं जहां नौकरियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहां कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसएसआर ग्रुप, टाटा ग्रुप सहित कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं। और दुनिया के सबसे विकसित शहरों में मुंबई 29वें स्थान पर है, 29वें स्थान पर है। दुनिया में सबसे विकसित शहर जो है मुंबई उनमें 29वें स्थान पे है। और आइए जानते हैं नई दिल्ली के बारे में। तो मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी नई दिल्ली भारत का दूसरा सबसे विकसित शहर है। तो सबसे पहले हमने बात की मुंबई की जो 29वें नंबर पर है दुनिया में विकसित शहरों में, और भारत में जो टॉप वन पे है। और दूसरी हम स्मार्ट सिटी, भारत की जो स्मार्ट शहर है उनमें से दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नई दिल्ली। और मैकेंजी जो है इसकी रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी नई दिल्ली भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर है, सबसे विकसित शहर है। इस हिसाब से देखा जाए स्मार्ट सिटी के हिसाब से तो दिल्ली जो है दूसरा सबसे विकसित शहर है भारत का। देश की राजधानी होने की वजह से कॉरपोरेट इसे प्रमुखता देते हैं। इन्हीं वजहों से एनसीआर में नौकरी की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। दिल्ली का कुल जीडीपी 9.68 लाख करोड़ है। वर्ल्ड के सबसे विकसित शहरों में दिल्ली 37वें स्थान पर आती है। और पहले हमने बात की मुंबई की, तो मुंबई 29वें स्थान पर आती है दुनिया में। और नई दिल्ली जो कि भारत में दूसरे स्थान पर है और दुनिया में इसका विकसित शहरों में 37वें नंबर पर इसका स्थान आता है। तो ये थी नई दिल्ली और हमने बात की मुंबई और नई दिल्ली। मुंबई जो है भारत में नंबर वन विकसित शहर में गिना जाता है, शुमार है, और दुनिया में 29 यानी 29वें स्थान पे माना जाता है। और नंबर दो पे हमने नई दिल्ली की बात की जो कॉरपोरेट के लिए फेमस है और इसका जो है 37वां स्थान है दुनिया में जीडीपी के हिसाब से 9.68। और बॉम्बे का जो था 12.12 करोड़ था। और अब जानते हैं हम तीसरे शहर के बारे में जो है कोलकाता। रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता भारत का तीसरा सबसे विकसित शहर है। नंबर वन पे हमने बात की बॉम्बे, नंबर टू पे हमने बात की दिल्ली और नंबर थ्री पे कोलकाता सबसे विकसित शहर है। आपको बता दें कि कोलकाता एक समय भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। फिलहाल इसका कुल जीडीपी 8.70 लाख करोड़ रुपए है और यह दुनिया के सबसे विकसित शहरों की सूची में 42वें स्थान पर है।
नंबर वन बॉम्बे जो है 29वें स्थान पे, नंबर टू नई दिल्ली जो है 37वें स्थान पे, और नंबर थ्री कोलकाता 42वें स्थान पे आता है दुनिया में विकसित शहरों की अगर बात करें तो उनमें। कोलकाता जो है 42वें स्थान पे शुमार है दुनिया में, और भारत में नंबर तीन पे है। और भारत में अगर नंबर चार की बात करें तो बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ये भारत में सबसे विकसित शहरों में नंबर चार पे इसका नाम आता है बेंगलुरु। और एक रिपोर्ट के अनुसार आईटी हब बेंगलुरु भारत का चौथा सबसे विकसित शहर है, जहां आईटी प्रोफेशनल के लिए जॉब के अच्छे मौके हैं। अभी बेंगलुरु का कुल जीडीपी दर 4.81 लाख करोड़ रुपए है, और दुनिया के सबसे विकसित शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु 84वें स्थान पर है। जीडीपी की अगर बात करें तो हमने बात किया 4.81, और नंबर वन पे जो था बॉम्बे उसका 12.12 था। तो बेंगलुरु का जीडीपी जो है, जीडीपी दर 4.81 लाख करोड़ रुपए है, और दुनिया में अगर बात करें, दुनिया में विकसित शहरों में बात करें तो बेंगलुरु जो है 84वें स्थान पे शुमार माना जाता है। भारत में जो है इसका चौथा नंबर माना जाता है, और आईटी प्रोफेशनल के लिए जॉब के अच्छे मौके हैं बेंगलुरु में। और आईटी हब बेंगलुरु भारत का चौथा सबसे विकसित शहर है। तो ये था बेंगलुरु नंबर चार पे। और नंबर पाँच पे आइए बात करते हैं हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद आईटी की बुनियादी सुविधाओं के साथ भारत का पांचवा सबसे बड़ा विकसित शहर माना जाता है। हैदराबाद का कुल जीडीपी 4.29 लाख करोड़ रुपए यानी 74 अरब डॉलर है, और विश्व के सबसे विकसित शहरों में हैदराबाद का 84वें स्थान पर नाम आता है। जी हाँ, 84वें स्थान पर नाम आता है हैदराबाद का, और भारत में इसका नाम 5वें स्थान पे है। और जीडीपी की अगर बात करें तो 4.29 लाख करोड़ रुपए यानी 74 अरब डॉलर हैदराबाद की जीडीपी मानी जाती है, और दुनिया में हैदराबाद 84वें स्थान पर माना जाता है। स्मार्ट सिटी के रूप में अगर विकसित शहर के रूप में देखा जाए तो दुनिया में 84वें स्थान पर इसका नाम आता है। आइए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। तो दूसरा है नंबर 6 चेन्नई। भारत के विकसित शहरों में चेन्नई का नाम भी शामिल है, जो तमिलनाडु में है चेन्नई। और फिलहाल चेन्नई का कुल जीडीपी दर 3.82 लाख करोड़ रुपए है, और विश्व के सबसे विकसित शहरों की सूची में यह 93 स्थान पर है। 93 इसका नंबर आता है विश्व में, और भारत में इसका जो है 6 नंबर पर आता है। और 3.82 लाख करोड़ जो है इसकी जीडीपी मानी जाती है वर्तमान में, और 93 स्थान पे है दुनिया में विकसित शहर जो है, स्मार्ट सिटीज़ हैं दुनिया में, उनमें जो 93 नंबर पे इसका स्थान आता है। आइए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं अहमदाबाद। जी हाँ, अहमदाबाद भी दुनिया के सबसे तेज विकसित होते शहरों की लिस्ट में शामिल है। बहुत जल्द यह शहर भारत के सबसे विकसित शहरों की सूची में शामिल हो जाएगा। अहमदाबाद शहर का कुल जीडीपी 3.01 लाख करोड़ रुपए है, और वर्ल्ड के सबसे विकसित शहरों में अहमदाबाद 105वें स्थान पे है। यानी जल्द ही ये लिस्ट में शामिल होने की इसकी उम्मीद है। जीडीपी के हिसाब से जीडीपी जो है इसके 3.01 लाख करोड़ रुपए है, और बहुत जल्द ये उम्मीद की जाती है कि ये स्मार्ट सिटी जो है दुनिया के सबसे विकसित शहर उनमें शामिल होने की इसकी जल्दी ही आशा है। और 105वें स्थान पे है अभी दुनिया में विकसित शहरों के स्थान पे देखा जाए। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं पुणे। जी हाँ, पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। सार्वजनिक सुख सुविधाओं और विकास दर के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। यहाँ लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण सुविधा उपलब्ध है पुणे में। यह महाराष्ट्र और भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। इसका कुल जीडीपी दर 48 बिलियन यूएस डॉलर है। पुणे विश्व के विकसित शहरों की सूची में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। जी हाँ, इसका स्थान यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत में इसका स्थान 6वां है।
और यहाँ लगभग सभी विषयों के उच्च शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। औद्योगिक केंद्र है और जीडीपी देखी जाए तो 48 बिलियन US डॉलर है और जल्द ही दुनिया के विकसित शहरों में अपना स्थान ये बना लेगा, अहमदाबाद और पुणे। नेक्स्ट के बारे में जानते हैं सूरत। सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कपड़ा उद्योग एवं डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध सूरत भारत के विकसित शहरों में शुमार है। सूरत जो कि गुजरात में है और लघु भारत के नाम से मशहूर सूरत का कुल जीडीपी दर 40 बिलियन US डॉलर है। तेजी से विकसित होते इस शहर में जॉब की भरपूर संभावनाएं हैं, जिसके चलते यह शहर विश्व के विकसित शहरों की सूची में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। जी हाँ, सूरत अहमदाबाद ये जो है जल्द ही दुनिया में विकसित शहरों की सूची में शामिल होने वाले हैं। और सूरत को देखा जाए तो 40 बिलियन US डॉलर जो है इसकी जीडीपी दर है और जॉब की यहाँ पे भरपूर संभावनाएं हैं। इसको सिल्क सिटी, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे कपड़ा उद्योग है, डायमंड कटिंग जो है और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध सूरत ये भारत के विकसित शहरों में शुमार है। तो ये थी भारत की स्मार्ट शहर जिनकी हमने बात की, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और सूरत। ये हमने आज बात की भारत की स्मार्ट शहरों के बारे में और आशा है कि आपको पसंद आया। हम फिर आपके सामने ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे और आते रहते हैं हम आपके सामने बहुत ही मज़ेदार तथ्य लेकर के हम आपके सामने आते रहते हैं। और KVS किड्स जोन आपका जो है हमेशा जो है हार्दिक स्वागत करता है, आपके अनमोल कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है और बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब वक्त है, शेषराज आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।